हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरा एसर का एस्पायर वन लैपटॉप है और इसका मॉडल नंबर है D255E। इसका कीबोर्ड डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा एक बटन इसका ख़राब हो गया था। देखते हैं इसको, ये खोला मैंने इसका, ये देख सकते हैं आप, इसका ये वाला बटन काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट एरो वाला। तो मैंने इसके लिए डालने के लिए नया कीबोर्ड मंगाया है। ये देखिए, मैं फ्लिपकार्ट से अभी आया हुआ है, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा, इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करूँगा। और उसके बाद मैं इसमें आपको कैसे इसमें फिट करना है, ये अपने घर पर आप कैसे इसमें डाल सकते हैं कीबोर्ड, कैसे खोल के डालना है, ये हम आपको अभी दिखाएंगे। पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए, हैंडल विथ केयर लिखा हुआ है। इसको लाने के लिए कुरियर वाला जो लाया होगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। चारों तरफ से बंद है अभी, और इसका ये इसकी डिटेल दी गई है, कोरियर नेम है और किस कंपनी का है वो इसमें दिया गया है। ये मॉडल नंबर दिया गया है, रेगा टेक D255E, ये इसका मॉडल नंबर है, इसमें फिट हो सकते हैं ये लोग। चलिए खोलते हैं, यहाँ से इसको काटेंगे। पॉलीथीन भी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, जिससे कि इसके अंदर पानी ना जा पाए बरसात में। तो अच्छा पैक किया गया है, इसे बरसात के पानी से बचाने के लिए इसको बढ़िया पैक कर दिया गया है लोगों के द्वारा। इसको खोलना है, ये फ्लिपकार्ट का लोगो बना हुआ है, फ्लिपकार्ट से मंगाया है मैंने। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये खुल गया, इसकी पॉलीथिन है, इसको हटा देते हैं। और ये अभी भी पैक है, एक कार्टन के अंदर पैक है। इसको भी यहाँ से टेप लगा हुआ है, खोल दिया मैंने। और ये देखिए सर, इसके अंदर एक पॉलीथिन निकली हुई है। पॉलीथिन के अंदर ये इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, रेगा टेक। वारंटी कार्ड है इसका, तीन महीने की इन्होंने गारंटी दी है ऑनलाइन। ये गारंटी उसमें फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर शो कर रही थी। चलिए इसको खोल लेते हैं। ये बढ़िया पैक किया गया है कि इसको दबने से कोई इसमें नुकसान ना हो, डैमेज ना हो। ये कहाँ से बंद है, ये है, ये बंद है यहाँ से, ये लपड़ा हुआ है इसमें पॉलीथिन, आप देख सकते हैं दोस्तों। वारंटी कार्ड इसमें रखा हुआ है, ये वारंटी कार्ड इसमें है, 90 दिन की इसमें वारंटी है। 90 दिन में अगर कुछ आपका ये ख़राब निकलता है विदाउट डैमेज, तो वो आपको रिप्लेसमेंट कर लेंगे। ये देखिए, एक और पॉलीथिन है, इसके अंदर ये हमारा कीबोर्ड निकला। इसके अंदर ये इसकी इनवॉइस की डिटेल हुई है, इसमें वारंटी कार्ड की मोहर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, 3 मंथ वारंटी। और ये टैक्स इनवॉइस इन्होंने जनरेट की, रिसीप्ट है कंपनी की, कंपनी का नाम लिखा हुआ है प्रोडक्ट का। चलिए ये देख सकते हैं आप, कीबोर्ड है। और पीछे भी इसमें एक इसका बंद है अभी, इसकी जो पिन है इसको भी टैप से इन्होंने बंद कर रखा है, जिससे कोई इस पर स्क्रैच वगैरह ना आ जाए, पड़ जाए इसमें। ये देखिए, टैप से इसको खोल के, ये रेगा टेक कंपनी का लोगो बना हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी गई है, बेस्ट क्वालिटी का ये कीबोर्ड है। मैंने पहले भी मंगाया था, आप देख सकते हैं, मेरा पहले भी ख़राब हो गया था एक कीबोर्ड, ये मेरा पहले भी एक कीबोर्ड ख़राब हो गया था, तो मैंने ये लगाया था। अब मैंने मंगाया है, ये भी सेम है,
आप देख सकते हैं फिट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको इसको निकाल के अब मैं इस कीबोर्ड को इसमें फिट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा नया कीबोर्ड है और ये मेरा इसमें पुराना है, इसका एक लेफ्ट की का काम नहीं कर रहा था। हम इसको बदलने जा रहे हैं इस नए कीबोर्ड से। दोस्तों आपको इस तरह का एक स्क्रू ले लेना है, जिससे इसके यहाँ जो ये दिख रहा है इसको आप निकाल सको। चलिए निकालते हैं। इसमें पिन लगी हुई है, इसको पिन को थोड़ा आगे करके आगे करेंगे हल्की सी खींचने के लिए। ये निकल आया है कीबोर्ड। हम अब नया कीबोर्ड इसमें लगाएंगे। ये है नया कीबोर्ड। इसमें सबसे पहले टेप रिमूव कर देंगे इसका। ये रिमूव हो गया है, अब इसको इसमें फंसाना है। इसको इस तरह से इसका वायर इस तरह से इसको मरोड़ देंगे थोड़ा। चलो इसको इसमें फिट कर देते हैं। हेलो दोस्तों, ये इसमें मैंने पेन फंसा दी है इसका वायर। अब मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ। इसको ऊपर से घूम के आओ और इसको मैं फिट कर देता हूँ इसमें। दोस्तों एक कीबोर्ड फिट हो चुका है इसमें, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ लैपटॉप को। मैंने बटन ऑन कर दिया है, अब हो रहा है। अब इसके बाद देखते हैं लेफ्ट की काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये वाला लेफ्ट की। चलिए देखते हैं इसको स्टार्ट हो रहा है लैपटॉप। दोस्तों ये लैपटॉप चालू हो गया, ऑन हो गया है। ये पुराना कीबोर्ड हटाए दे रहे हैं। अब इसको देखते हैं लेफ्ट की काम कर रही है इस पर नहीं कर रही है। हाँ, रिफ्रेश भी होने लगा उस ए वाली की से। अभी रिफ्रेश भी नहीं हो रहा था मेरा लैपटॉप, अब मेरा रिफ्रेश भी होने लगा है। अब मैं इसको बर्ड खोल के देखता हूँ। बर्ड में कुछ अक्षर टाइप करेंगे और फिर देखेंगे लेफ्ट राइट हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। ये मेरा बर्ड प्रोसेसर ऑन हो रहा है और मेरा बर्ड खुल गया है। अब मैं इस पर कुछ भी लिखता हूँ, हाउ आर यू।
आवर ये मैंने टाइप कर दिया है, और मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि ये दिखाई दे आपको। लैपटॉप तो कीबोर्ड काम कर रहा है इसका। ये लेफ्ट की भी काम करने लगी है इसकी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हाउ आर यू मैंने लिखा है जो, ये पास में आना दिखाना, इसको कंट्रोल करते हैं, इसको फॉन्ट बड़ा कर देते हैं थोड़ा जिससे कि दिखाई दे, और इसका थोड़ा और फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, ये मैंने 72 का फॉन्ट 72 नंबर फॉन्ट कर दिया। अब मैं इसकी राइट एरो जैसे ही दबाता हूँ, ये नीचे देखिए, अब ये देखिए ऊपर काम कर रहा है मेरा राइट एरो, ये राइट जा रहा है, ये मेरे राइट भी की राइट एरो भी काम कर रहा है, और मेरा ये लेफ़्ट एरो भी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं जैसे लेफ़्ट की दबा रहा हूँ तो मेरा लेफ़्ट में चला गया। अब इसका ऊपर नीचे का देख लेते हैं, ऊपर वाला एरो और नीचे, ये मैंने कुछ टाइप कर दिया, मैं जैसे ऊपर का दबाता हूँ तो अपर एरो भी काम कर रहा है और ब्लू एरो भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कीबोर्ड एकदम अच्छा है और मैंने अच्छी तरह से इसको फिट कर लिया है, और मेरा लैपटॉप में जो टाइपिंग है वो बढ़िया हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बटन मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी एक बार, एस्केप 1 2 3, एक काम कर रहे हैं कारी, फंक्शन की मैंने दबा दी तो मेरे फंक्शन की ऑन हो गया है। मैं ABCD चेक कर लेता हूँ जो, मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, अब मैं अपने की दबा रहा हूँ तो देखिए सारे बटन काम कर रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे 3 मंथ की गारंटी में है, अगर कोई भी ख़राबी होती है इस वाले की से, की प्रेस नहीं होती है, तो मैं इसको अभी रिप्लेस के लिए भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एरो भी की काम कर रहे हैं, अप और डाउन की भी की काम कर रही है, लैपटॉप एकदम स्मूथ चल रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।